गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं हमारा बैंक हॉलीडे होता है मंडे की बात है, तो मंडे को आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम माय ऑफिस, तो मैं जिस बाइक पे आ रहा था तो आई कुड फील कि वो सही चल नहीं थी। मैंने भाई से कहा कि आपकी बाइक सही चल नहीं रही, बड़ी सेट के नहीं, ये सही है सब, आपको ऐसी लग रहा है, वहम है आपका। तो ये क्लिफ्टन के ब्रिज के ऊपर जो हम चढ़े, तो उतरने के लिए मैरियट की तरफ ये रोड जो जाता है उससे उतर रहे थे, तो उसकी गाड़ी जो है एक पहले उसने, मैंने कहा कि आप ब्रेक लगाएं, आगे आगे गाड़ियां आ रही हैं बहुत फास्ट। तो वो कहता नहीं नहीं मैं निकाल लूँगा, ही वॉज वेरी फास्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी ब्रेक फेल हो गई। अच्छा, एक गाड़ी उसने बचाई, दूसरी गाड़ी को सामने मैंने कहा आप ब्रेक लगाएं, उसे ब्रेक लगी नहीं। और मैं जो है खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जब हम दुआ में रहते हैं और डैड जो है मेरे प्रेयर करते रहते हैं और हम सब मिल के दुआ कर रहे होते, खुदावन के फरिश्ते हमारी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें और हमें मज़ीद मतलब इतना नुकसान नहीं होने देते। शैतान तो चाहता है कि खुदा के बंदे जो हैं उनको वो गिराए मारे। और हम ये अभी डिस्कस डैड से कर रहे थे कि हमने रेवोल्यूशन की बुक पढ़ रहे हैं, तो जो कि हमें जो है भेद की बातें बताती है, तो शैतान नहीं चाहता कि हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से हम पे ये अटैक उसने किया कि इसी को, क्योंकि ये मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसको पकड़ो ताकि ये चीज़ें ना कर सके। तो खुदा के बेहद शुक्रगुजार है, गाड़ी की टक्कर तो हुई लेकिन क्या है कि खुदा ने मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगने दी। मेरे हाथ पे छोटी सी चोट यहाँ लगी और इधर हाथ पे थोड़ी सी चोट लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगी कि मतलब कुछ ऐसा हो कि मुझे बहुत ज़्यादा भी लग सकती थी। पीछे बहुत तेज़ गाड़ियाँ भी आ रही थी, लेकिन खुदावन खुदा हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ब्रेक उसकी फेल थी, गाड़ी लगी और फुटपाथ पे साइड पे जाके गिर गई। अगर वो रोड पे गिरती तो मुझे भी चोट लग सकती थी बहुत ज़्यादा, पीछे से गाड़ी ऊपर आ सकती थी या उसको भी लग सकती, लेकिन खुदावन ने हमको बचाया। तो ये मेरी गवाही थी, तो मैं चाहता था कि हम सब के साथ शेयर करूं ताकि लोगों का ईमान बढ़े कि जब हम खुदावन के साथ चलते हैं, खुदावन के साथ चलने से खुदावन खुदा हमें बरकत भी देता है, रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। आप सबको खुदावन बरकत दे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो मेरी गवाही कुछ पुरानी है लेकिन हिम्मत करके अभी आगे बढ़े हैं और खुदावन का बहुत शुक्र है। बोलना मुझे लास्ट जो हमारा लास्ट फ्राइडे था लेकिन हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब खुदावन का शुक्र है। सो 5 साल से मेरे एक दोस्त है जो जॉबलेस थे और बहुत दुआएं की अंकल से, सब कलीसिया से बहुत सारे लोगों ने दुआएं की है लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रही थी, बट खुदावन के फजल से उनको अगस्त में वो जॉब मिली। लेकिन ये गवाही मैं दे नहीं सकी और शुक्र है खुदावन का कि मेरे भाई की भी, हम जो इतनी दुआओं में उसको रखा था कि उसकी जॉब हो, उसके पास जॉब टिक नहीं रही थी जो उसके पास मिल रही थी, तो वो जॉबलेस काफ़ी टाइम से थे। तो खुदावन का शुक्र है कि मेरे भाई को भी जॉब मिली है। सो शुक्र है खुदावन का। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और अंकल से भी कि मेरी भाई की बेटी यहाँ है, इनका नाम एलिश है, कुछ दिन से वो डरी हुई है, वीकनेस फील कर रही है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एलिश को दुआ में रखें। अंकल प्लीज एंड ग्रेसेस फ्रॉम द लॉर्ड for Pastor Javed Gill and for his family, entire family and all those who have come here, that they may receive the finest wheat for this new year. Thank and praise God for everything. Firstly, I thank and praise God for the past two weeks. God has protected me from an accident because He is the mighty King and He is the King of all kings, Lord. I thank and praise God. I feel that His mighty hand was really on me and He has really protected me. I thank and praise God for each and everything. Also, I thank and praise God my niece. For last week, she's got a good second position in the Miss Bob Max contest. I thank and praise God. He is the victory of all victories. Thank and praise you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah.